सुमना जी, हाँ, इतना जगमग जगमग क्यों हो रहा है? एक बार फिर चप्पू, तेरी जो ऐनक है ना, ये जगमग कर रही है। मेरे को पता था, ये मैं चैनल को दिखाना चाहता था, इस लेडी को कुछ नहीं आता। अर्चना जी, हाँ, मुझे जॉब मिल गई है फूड गेंडा में। हैं? हाँ, डिलीवरी बॉय की। बस आप मेरे को आशीर्वाद दो कि आप जैसे मुफ्तखोर कस्टमर ना मिले मेरे को। या चप्पू फ्रॉम फूड गेंडा, या शोभा, आपका ऑर्डर लेके निकल चुका हूँ मैं। ऐसे कैसे जल्दी आ जाऊं? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूं जो चुम्मियों के चक्कर में जल्दी आ जाऊं। या आई अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका कोई ऐसा ऑफर है तो मैं आ सकता हूँ। फोन काट दिया। ये चुम्मियों के नाम पे फोन क्यों काट देती है लड़कियां? नहीं मतलब ये डिलीवरी बॉय की कोई फीलिंग नहीं होती? जिसको देखो हमें टिप दे देता है। हिम्मत है तो चुम्मी देके बताओ। #डिलीवरी बॉय किस चैलेंज। बड़ी भूख लग रही है, देखो मेरे बक्से में क्या है। क्या है? मैं तो जल्दी जल्दी में खाली ले आया, अब क्या करूं? माँ सदके चप्पू, ओए तुमने स्कूटी ले ली? नहीं, एक शगुन का झूला दे दे। मैंने पिस्तौल भी ली, शगुन की गोली मारूं? दे दे मेरे को। चलो मेरे को बातों मत लगाओ, मेरे को डिलीवरी भी देनी है। ओए चप्पू शर्मा, मेरी कान खोल के बात सुन लो। जब तक चंदू का ढाबा इधर ना, कोई डिलीवरी वाला इधर नहीं आ सकता। मेरे बेटे ने दो आलू के चढ़ाए कुकर में, तुम लोगों की सीटी निकल गई। और जानती हूँ मैं तुम जैसे डिलीवरी वालों को, लोगों को झूठा खाना सप्लाई करते हो। क्या झूठा नहीं है इस दुनिया में? ये जो कुर्सी बैठी है झूठी नहीं है? खाने रिमिक्स होके आ रहे, वो क्या झूठे नहीं है? हमारा खाना झूठा लग रहा है, मारे मारे मारे। चल निकल यहाँ से, मैं कोई अर्चना नहीं हूँ कि ये बात सुन के मैं हंस के ताली बजा दूंगी। अपना मुकाबला आपसे कर रही है। ओए आपने इतने शो नहीं किए हुए जितने वो छीन चुकी है, मेरा मतलब जज कर चुकी है। तो कोई बात नहीं, सोनी साहब ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि शो की अगली जज मैं ही होना है। बिल्कुल ठीक है, तेरे से अगली जज कोई हो ही नहीं सकती। मेरी बात सुनो, तब तक ये सब टिंडे विंडे काटती रहोगी, मेरे साथ आ जाओ, डिलीवरी करते हैं, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, चांदनी के भी अपने असूल है, अपने आदर्श है। जिनका बेटा चंदू जैसा है ना, उनकी सिर्फ मजबूरी होती है। मैं कहता हूँ डिलीवरी करो, पर डिलीवरी तुम्हें मैं 20 रुपए दूंगा। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं 20 रुपए बिक जाऊंगी? 21 रुपए। डन डन। ये लो पकड़ के, फटाफट डिलीवरी देके आओ, कस्टमर वेट कर रहा है। ठीक है, चल ठीक, मैं हूँ, अभी देखे आई। या शोभा, हाँ बोलना यार, ला रहा है तुम्हारा खाना। हाँ देर हो रही तो खुद आ जाओ ना, फिर इसी बहाने मिल लेंगे। फोन काट दिया, ये लड़कियों को फोन काटने की बड़ी जल्दी रहती है। ओहो एक और फोन आ गया। हेलो हेलो, या हेलो 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 हेलो, क्या बच्चा यादव बोल रहा है? खाना ऑर्डर किया था यार, आया नहीं अब तक। भाई साहब धीरे नहीं बोल सकते, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। माय हेलो पाजी ब्रदर, माय हेलो। हाँ जी। अरे खाना ऑर्डर किया था, आया नहीं अब तक। तुम क्यों धीरे बोल रहे हो, तुम तो बोलो। ये बात भी सही है यार, फिश करी ऑर्डर किए थे यार, किधर? फिर ऊंची बोल रहा है। कस्टमर से बात कर रहा हूँ मैं। माय हेलो पाजी, फिश करी ऑर्डर किया था? एक मिनट, ऑर्डर फूड गेंडा फिश करी। Dude, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ और तुम आए नहीं रहे। मैं नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, कट्टी। हम खाना मंगाए था यार, तुम्हें डेट पे नहीं बुलाया था, नाराज क्या हो रहे हो तुम हमसे? यही प्रॉब्लम है देश की, तुम जैसे लड़के हम जैसे लड़कों को डेट पे नहीं बुलाते, तो लड़कियां कहाँ से बुलाएंगी? क्या बेतुक की बातें कर रहे हो यार, हमने खाना ऑर्डर किया था, दो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ रहे? म्याऊ। ये म्याऊ क्या कर रहे हो?
चूहे भगा रहा हूँ। तैयार हो जाओ, कहीं से भी निकल सकते हैं। क्या बोलने जा रहे हो यार? फिश करी कहाँ है हमारा? फिश करी तो यार फिश करी चाहिए ना, ये लो। अरे यार तो बोलो ना, लेकर आए हो तुम भी यार। पर तुम बकवास बड़ी करते लोग। ये क्या, ये खाली डब्बा है, फिश करी कहाँ है? इधर ही रही। ओहो, मैं बताता हूँ आपको, मैं क्या हुआ, मैं ना पहले घर से करी लेके निकला। मैंने कहा फिश रास्ते में तालाब में से पकड़ लेंगे, और मैंने तालाब में डिब्बा ऐसे डाला, मैंने कहा फिश आई, वो करी बह गई यार। मेरा तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। क्या बेतुकी का बात, ये हमको हमारा फिश करी चाहिए, हमने जो ऑर्डर दिया हमको चाहिए, समझे? चाहिए तो चाहिए, तो चाहिए तो चाहिए, चाहिए 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 तो जाके तालाब में से पकड़ दो फिश। अच्छा, अब फिश के लिए हम तालाब जाएं? तो मतलब फिश को पहले यशराज स्टूडियो में बुलाएं? हैं? के फिश को मैरियट में बुलाएं, उधर स्वीट बुक करें, आमने सामने बैठ के, फिश क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ, ये सब करें? बिल्कुल आदमी कैसा बात किया जा रहे हो यार, हमने ऑर्डर किया था फिश करी, वो तो तुम दे नहीं रहे हो। ये तो भड़क क्यों रहा है हर बात पे? ये ले रोटी खा ले, मैं कुत्ते के मुंह से छीन के लाया हूँ। ऐसे हाथ क्या साफ कर रहा है? कुत्ते के मुंह से छीन के लाया हूँ, मुंह से। देखो यार, चाहिए ही नहीं तुम्हारा फिश करी, नहीं चाहिए, हम कहीं और से ऑर्डर करेंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, रहने दो। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो, सफाई बांटो तुम जाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? जब पता है मैं इधर खड़ा हूँ, एक रुपया क्यों टलवा रही है इसका कॉल का? हाउ आर यू बेबी, मेरे लिए क्या लाई हो? जस्ट शट अप, ओके? मैं तुमसे सुबह से फोन कर रही हूँ, इतनी स्लो डिलीवरी। तो फास्ट डिलीवरी के लिए शोएब अख्तर को रख लूं? एक काम करो, तुम रख लो, लेकिन वो मानेगा नहीं। तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? दो चार किसेस और पांच छह हग्स छोड़ के बाकी मैं टोटली कुंवारा हूँ। क्या बोलती हो? फालतू की बातें बंद करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो बताओ डिनर पे कहाँ जाना है? Just shut up! मैं उस खाने की बात कर रही हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है। दो मुझे। एक तो ये लड़कियाँ सारा दिन ऑर्डर बड़ा करती हैं। यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये खाना, वो नहीं खाना। How disgusting of the manners in this! Shut up! कौन सा ऑर्डर बेबी? I'm not your baby, okay? और दूसरी बात ये कि मैं उस खाने की बात कर रही हूँ जो मैंने तुम्हारे यहाँ से ऑर्डर किया है। दो मुझे भूख लग रही है। ये जो इंग्लिश बोलती है तुम बीच बीच में, ये कितने दिन में आ जाती है? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि नवंबर में इंग्लिश का शो ऑफ शुरू कर दूं। पहली बात कि जो इंग्लिश है ना वो एक दो दिन में नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है। तुम करती क्यों नहीं हो फिर? हाँ हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? हाँ, जहाँ तुम छोड़ के गए थे। लेकिन यार तुम तो फूड गैंडा से हो, इस बार हमने टोमेटो को ऑर्डर किया, तुम क्यों फोन उठा रहे हो? अरे यार मैं आपको बताना गया, वो ना मेरे अच्छे बिहेवियर के चलते मेरे को फूड गैंडा वाले निकाल दिया। तो नाउ आई एम वर्किंग फॉर टोमेटो। देखिए ये सब कौन कब निकल जाए कुछ पता नहीं है। कौन किसके सिंहासन पे आके बैठ जाए कोई पता नहीं है। अपना अपना एक साइड बिजनेस करना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि हम सब ले दे के सोनी के हाथ की कठपुतलियां हैं। खर्चे इतने हैं, क्या करें, अलग अलग काम धंधे करने पड़ते हैं। आपको पता तेल का भाव क्या हो गया? 60 रुपया लीटर हुआ, और क्या हुआ? मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑलिव ऑयल में खाना खाता हूँ। हाँ, तो वो तो 500 रुपए लीटर आता है। 500? हाँ, वो फिर आप ओरिजिनल की बात कर रही होंगी। मेरा वाला 50 रुपए का आता, वो तो बोतल में सामने मेरे सामने नाम लिखते, ऑलिव ऑयल। स्मेलिंग थोड़े इधर उधर होते, बाकी स्मेल तो प्रॉपर आती है। अच्छा। और इतना अच्छा तेल, आप यकीन नहीं, आप उसको जनरेटर में भी डाल सकते हो। या वो डीजल होता है। या डीजल ऑयल, डीजल ऑयल, डीजल ऑयल का पराठा खाओ ना आप, दिल्ली तक चले जाते हो 8 घंटे में। फालतू की बातें बंद करो यार, हमने जो ऑर्डर दिया है ना वो तो हमको चाहिए, दो अब। कराटा मार के ना तेरा ये टावर तोड़ देना। मैंने तो पहले ऑर्डर के पैसे दो। हाँ, तो वो तो ऑनलाइन भर दिए ना यार। तो ऑनलाइन खाना खाओ ना जाके।
ऑनलाइन कैसे कोई खाना खा सकता है? ऑनलाइन लड़कियों के साथ चैट नहीं करते, तब तुम्हारा दिल नहीं भरता। वहां पे जाके पेट भर लो। यार तुमको किसने बताया कि हम ऑनलाइन चैट करते हैं लड़कियों के साथ? हाँ तो तुम जैसे लोगों को लाइव मुंह कौन लगाएगा? कितनी अच्छी बात बोली तुमने। अरे ओ कैटरीना कैप की छठी कॉपी। एक बात याद रखना, सलमान खान फिल्म में आते हैं, मंडप में नहीं। मंडप में हम जैसे लड़के ही आते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.